गीता हमने माना एक पवित्र ग्रंथ है जो हिंदुओं को संगठित रख सकती है, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है जो मुसलमानों को संगठित रह सकती है, बाइबिल एक पवित्र ग्रंथ है जो ईसाइयों को संगठित रख सकती है। लेकिन ये सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले जब आपस में लड़ते हैं तो भारतीय संविधान है जो इनको संगठित रख सकता है। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय संविधान को पढ़ने के बाद किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत है। इसलिए जिनको दिल्ली और लखनऊ जाना रहा वो भारतीय संविधान पढ़ते रहे, और जिनको बैकुंठ जाना रहा वो धर्मशास्त्र पढ़ते रहे। तो जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा वो बैकुंठ पहुंचे कि नहीं पहुंचे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसने संविधान को पढ़ा वो दिल्ली और लखनऊ पहुंच गया। तो अशोक का जो शासन शैली है, ये शासन शैली ही हमारे भारतीय संविधान वो दस्तावेज है उनका।